हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पीके सिद्धांत आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया था तो हम लोगों ने पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बाईसाइक्लो, स्पायरो, इस तरह के सारे एग्जाम्पल हमने किए थे। आप लेक्चर वन, लेक्चर टू में आप देख सकते हैं, आप सर्च कर। आज हम लोग इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में लोग पढ़ेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं ऐसे एग्जांपल्स। तो पहले इन एग्जांपल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, इनका आईपीक नोमेनक्लेचर लिखना है। सबसे पहले तो इसको देखिए, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये तो LHSRHS सेम हो गया, लॉन्गेस्ट चेन यही है भाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन ये है आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि LHSRHS तो सेम हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, जब LHSRHS सेम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। तो इधर से देखो, मिथाइल या आइसोप्रोपाइल और या इथाइल, तो निश्चित रूप से नंबरिंग इस साइड से होगी। तो वन, टू, थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन। अब ये फाइव के ऊपर क्या है, इसको देखेंगे, ये कौन है भाई, तो इसमें नंबर कर दीजिए, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपको ऐसे लिखना होगा, फोर इथाइल, ठीक है। फिर आपको ये देखो, वन, टू, थ्री प्रोपाइल है, तो कोई बात नहीं, टू एट डाइमिथाइल। उसके बाद फाइव पे क्या लिखना है आपको, गौर से देखिए, फाइव पे प्रोपाइल ही है, तो आप ऐसे लिखोगे, फाइव, वन डैश, वन डैश, टू डैश, टू डैश, कितना हो गया, चार है, तो चार के लिए टेट्रामिथाइल, और कौन है, प्रोपाइल है। और सिक्स पे कौन है, आइसोप्रोपाइल, और टोटल चेन कितना का है, तो नाइन का, तो नाइन के लिए क्या हो गया, नोनेन हो गया। यानी गौर से देखिए, फोर इथाइल, टू एट डाइमिथाइल, फाइव पे क्या है, वन डैश, वन डैश, टू डैश, टू डैश, क्या हो गया, टेट्रामिथाइल, और तीन के लिए प्रोपाइल हो गया, और सिक्स पे क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल, और नाइन के लिए क्या हो गया, नोनेन। ओके, अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम वापस से पलट के देखना चाहें तो भी पॉसिबल है, गौर से देखिए, जैसे कि हमारे पास कौन है, नोनेन है, तो सबसे पहले नोनेन के लिए नाइन कार्बन बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नंबर कर दीजिए कहीं से भी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। कर आप फोर इथाइल, लीजिए फोर इथाइल, टू एट डाइमिथाइल, टू एट डाइमिथाइल, फाइव पे दिया हुआ है प्रोपाइल, फाइव पे है प्रोपाइल, एक, दो, तीन, ये प्रोपाइल, ठीक है। और फाइव पे क्या, वन डैश, वन डैश, टू डैश, टू डैश, टेट्रामिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, लग गया। और बोल रहा है सिक्स पे आइसो प्रोपाइल, तो ये देखिए सिक्स पे आइसो प्रोपाइल। स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिख सकता है बट अलग होगा नहीं, डोंट वरी। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, गौर से देखिए, लॉन्गेस्ट चेन को देखना ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये C2H5 छिपा हुआ है, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाली बात है कि यहाँ एक कार्बन है जबकि ऊपर दो कार्बन है। हम सबकी ये आदत होती है, इवन मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरह सोचते हैं कि जो हमें सीधा चेन दिखेगा वही पेरेंट होगा, बट ऐसा नहीं है, जो सीधा चेन दिखेगा वही पेरेंट होगा ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन कहाँ है, इसका मतलब अगर ये C2H5 है तो आप बेटर होगा आप इसको ऐसे लिख दो CH2CH3, और ये जो लाइन है C2H5, एक काम करो इसको भी खोल दो ताकि लिखने में आपको आसानी हो। चलो अब नंबर करो, सोचो, देखो लॉन्गेस्ट चेन एक, दो, तीन पे पहला ग्रुप आया, और यहाँ देखो एक, दो, तीन पे पहला नहीं बल्कि दो ग्रुप आया। आप इधर से नहीं सोचेंगे, आप यहाँ से देखेंगे, देखिए लॉन्गेस्ट चेन यहाँ है, ये देखिए ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो इधर से चलेंगे तो एक, दो, तीन पे एक ग्रुप आया, जबकि इधर से चलेंगे तो एक, दो, तीन पे दो ग्रुप आया, तो आपकी नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और ये एट। तो इस तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, तो चलिए पहले कहाँ कहाँ इथाइल है तो हम लिखते हैं, पहले थ्री, थ्री, फाइव ट्राइथाइल, और फिर मिथाइल कहाँ कहाँ है, तो मिथाइल फोर पे है और मिथाइल सिक्स पे है, फोर सिक्स डाइमिथाइल, और टोटल चेन कितने का है,
एट का है ऑक्टेन। आप इसको अगर वापस बनाते, आप इसको नोट कीजिए, अगर आप इसको वापस बनाते तो कैसे बनता? देखिए ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 करा, 3 3 5 ट्राईथाइल, देखो 3 3 5 ट्राईथाइल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे ही बना सकते थे, 4 6 डाइमिथाइल 4 6 डाइमिथाइल और ऑक्टेन। चलिए इस पे आ जाइए, इसमें ढूंढने वाली बात यह है कि इसमें 3 कार्बन का चेन है और 6 कार्बन का रिंग है, यहाँ पर पेरेंट किसको रखा जाए? तो भाई अगर रिंग और चेन में कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो, एक पर एक लगा हुआ हो, जैसे एक रिंग है एक चेन है जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा वो पेरेंट होगा, तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये प्रोपाइल है, आप इसको लिख सकते नॉर्मल प्रोपाइल, और ये कौन हो गया? साइक्लोहेक्सेन। तो आप इसको लिखिए नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। जबकि इसकी बात कीजिए, 1 2 3 4, 4 का चेन है और 3 का रिंग है, इस बार क्या हुआ? इस बार आपका चेन हो जाएगा पेरेंट, तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे फिर? साइक्लोप्रोपाइल, क्या लिखोगे इसको? ये हो गया आपको साइक्लोप्रोपाइल, और 1 2 3 4 4 के लिए क्या हो गया? ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। जबकि यहाँ क्या था? नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर चेन छोटा था रिंग बड़ा था, तो रिंग हो गया पेरेंट, यहाँ रिंग छोटा है चेन बड़ा है तो चेन हो गया पेरेंट। लेकिन यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ तो भाई ऐसा है कि रिंग के साथ कई चेन लगे हुए हैं, तो भाई एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें होगा तो वही हमारा पेरेंट हो गया, इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट थे रिंग में तो ये पेरेंट हो गया, तो क्या नाम हो गया इसका? 1 2 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस पे आ जाइए, इसमें किसको पेरेंट रखा जाए? देखिए 4 का रिंग है और 1 2 3 4, 4 का पेरेंट भी है, तो रिंग भी 4 का है पेरेंट भी 4 का है, तो क्या करें फिर? तो अब ये ढूंढिए कि भाई आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में ज़्यादा है, तो आपके पास नंबर सब्स्टिट्यूएंट इधर ज़्यादा है देखो चेन में, तो आपके पास नंबरिंग चेन में होनी चाहिए 1 2 3 और 4, तो क्या नाम हो गया? देखो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, और 2 पे क्या है? साइक्लोब्यूटाइल भी है, तो आप लिखो 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 3 डाइमिथाइल और 4 के लिए ब्यूटेन, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, इस तरह का क्या हो गया? नाम हो गया। इस एग्जांपल पे आइए, अगर इस एग्जांपल पे हम आते हैं, इस एग्जांपल पे आने के बाद आप ज़रा गौर से देखिए कि आपको क्या डबल बॉन्ड को छोड़ के चलोगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5 6 7 का है, और डबल बॉन्ड को लेके 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 का आएगा, तो क्या करोगे? हाँ, छोड़ देंगे लॉन्गेस्ट चेन को, बिकॉज डबल बॉन्ड एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। हमने आपको पहले बताया कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी मिथाइल इथाइल किसी भी अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा होती है, तो हम इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन को भी छोड़ सकते हैं। हाँ, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2, अब 3 4 5 3 4 5, तो दोनों साइड बराबर है, किसी भी साइड चलिए 3 4 5, तो अब क्या हो गया भाई? 2 पे ये क्या लग गया? तो 2 पे ये नॉर्मल प्रोपाइल, देखो 1 2 3, तो 2 पे नॉर्मल प्रोपाइल लग गया, तो 2 नॉर्मल प्रोपाइल, और 5 के लिए क्या हो गया? सिंपल पेंटीन। आपको 1 पेंटीन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड आपके 1 पे ही है। इसमें आ जाइए, ये वाले एग्जांपल में, इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या किया जाए, नंबर किधर से किया जाए? निश्चित रूप से डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे ही नंबरिंग होगी, कभी भी अल्काइल ग्रुप पे नंबरिंग करने की आप मत सोचना, ठीक है? देखिए सवाल उठता है कि नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, ठीक है, नंबर यहाँ से करना चाहिए कि नंबर यहाँ से करना चाहिए? इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी बात समझिए कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में रेस चल रही है, इस ग्राउंड में रेस चल रही है, ये रहा फिनिश पॉइंट, ठीक है, ये फिनिश पॉइंट है, तो एक लड़का है इस डायरेक्शन में दौड़ हो रही है, इस डायरेक्शन में दौड़ हो रही है, एक लड़का यहाँ है जो ऐसे दौड़ रहा है, एक लड़का यहाँ दौड़ रहा है, एक लड़का यहाँ दौड़ रहा है, क्या लगता है इस फिनिश पॉइंट के सबसे नज़दीक कौन है आपको? ये ना, ये तो सबसे दूर है, जबकि दिख तो सबसे नज़दीक यही रहा है, बट ये सबसे दूर है, ये नज़दीक नहीं है, सबसे नज़दीक ये है,
क्योंकि ये आप अगर घूमोगे फिनिश पॉइंट से, फिनिश पॉइंट के बगल में ये है जबकि ये दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिख रहा है नज़दीक बट ये है दूर, क्योंकि हम जो घूम के जाएंगे इसके पास तो पता चलेगा ये तो दूर पड़ जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पर है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो इथाइल है, निश्चित रूप से इसकी प्रायोरिटी मिथाइल से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इथाइल के बगल से अगर नंबरिंग करोगे तो यही इथाइल दूर हो जाएगा, लेकिन अगर इथाइल से दूर से नंबरिंग करो तो वो इथाइल नज़दीक आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से नंबरिंग करोगे जो इथाइल से दूर दिख रहा है तो 1, 2, 3, 4 पे इथाइल आ जाएगा, लेकिन जो इथाइल के नज़दीक दिख रहा है वहाँ से नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5 तो इथाइल 5 पे आ जाएगा। इसलिए क्या करोगे, चूँकि LHS RHS तो बराबर है, यहाँ से करोगे तब भी 4, 5 पे ग्रुप आएगा, यहाँ से करोगे तब भी 4, 5 पे ग्रुप आएगा, तो हम यहाँ से करेंगे ताकि अल्फ़ाबेटिकली हमें जल्दी मिल जाए इथाइल। तो ये लो, इस तरह इसका नाम लिखा हमने, नंबरिंग किया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4-ethyl-5-methyl और साइक्लोहेक्सीन। तो 4-ethyl-5-methyl-cyclohexene, तो इस तरह से क्या कि हमने इसका नाम लिख दिया। वेरी गुड। ठीक है, हम इस स्ट्रक्चर को मिटा के लिखेंगे। खैर ये चीज़ें तो समझ में आई गई आपको, जैसे इस एग्जांपल को मिटा के लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं मिटाकर, इसको भी लिखते हैं। देखिए ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 कर 2-cyclobutyl, नंबर कर दीजिए 1, 2, 3, 4 2-cyclobutyl लीजिए, 2-cyclobutyl और 2,3-dimethyl 2,3-dimethyl। इस पे आ जाइए पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5 2-normal-propyl 1, 2, 3, 4, 5 2-normal-propyl, ये नॉर्मल प्रोफाइल पेंटीन लो। अब बोलो सर तो स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, भाई स्ट्रक्चर अलग नहीं हुआ है, बात देखिए साइक्लोहेक्सीन, कहीं से भी साइक्लोहेक्सीन बना दो तो नंबर करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बोल रहा 4-pethyl और 5-methyl, ये लीजिए। चलिए नोट कीजिए, चलिए कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें, देखिए डबल बॉन्ड है, निश्चित रूप से आप लॉन्गेस्ट चेन को लेते हुए डबल बॉन्ड पे आएंगे। ठीक है, रिंग नहीं है कि आप कहीं से भी शुरू हो जाएंगे, आप इसको डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन देते हुए आप नंबरिंग करेंगे। इधर चलिए 1, 2, 3, 4 मतलब दोनों साइड से बराबर है। अच्छा एक काम कीजिए, अल्फ़ाबेट लगाइए 1, 2, 3, 4 4-pe-methyl 1, 2, 3, 4 4-pe-methyl, भाई दोनों साइड से सेम हो गया। मतलब इसका ये है कि आपको जहाँ से नंबरिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसका नाम क्या हो गया 4-5-dimethyl और ये क्या हो गया 8 के लिए 4 पे डबल बॉन्ड है तो 4-octene। ठीक है 4-5-dimethyl 4-octene ओके, इस पे आ जाइए। निश्चित रूप से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सामने कुछ नहीं है 1, 2, 3 तो क्या नाम हो गया 3-cyclopropyl और क्या हो गया सिंपल प्रोपीन। इस पे आ जाइए, देखिए CCl3 सी पे CCl3 नीचे भी CCl3 लगा हुआ और यहाँ चलो यहाँ भी हम Cl लगा देते हैं, इसका नाम क्या हो जाए, कहाँ से इसका नाम लिखें। निश्चित रूप से आपको चेन सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहला काम आप चेन सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे चेन सेलेक्ट, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जैसे करना कर सकते हैं। LHS RHS चारों साइड मतलब किसी भी साइड से सेम आ रहा है, चलो देखते हैं 1, 2, 3 कोई दिक्कत नहीं है, तीन का ही चेन दोनों साइड से आएगा किसी भी साइड से आप चलिए। तो ये तीन का चेन हो गया, ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए 1 पे 3 क्लोरो है, 2 पे 1 क्लोरो है और 3 पे भी 3 क्लोरो है, तो पहले क्या लिखेंगे हम इसका नाम 1, 1, 1 फिर 2 फिर 3, 3, 3 यानी आपके 7 बार क्लोरीन आया है, तो क्या लिखेंगे हेप्टा क्लोरो। और 2 पे एक और चीज़ लगी है CCl3 जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर सी पे CH3 लगती तो मिथाइल बोलते, लेकिन एक क्लोरीन लगता तो क्लोरोमिथाइल बोलते, 2 क्लोरीन लगता तो डाइक्लोरोमिथाइल बोलते और 3 क्लोरीन लगा हुआ उस कार्बन से क्या बोलेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको 2-tricloromethyl और टोटल 3 के लिए क्या हो गया 3 के चेन को क्या बोले हम प्रोपेन। तो 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3 हेप्टाक्लोरो 2-tricloromethyl और ये प्रोपेन,
इस तरह इसका नाम लिखा हमने। आप बोलोगे सर ज़रा पीछे चल के दिखाओ, बोलो ठीक है भाई तीनों को देखते हैं। ये देखिए ये ऑक्टीन है, चलो फोर ऑक्टीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर ऑक्टीन, लो फोर ऑक्टीन, 4 5 डाइमिथाइल, 4 5 डाइमिथाइल। क्या हुआ स्ट्रक्चर बदल गया? कुछ नहीं बदला स्ट्रक्चर, वही चीज़ है। प्रोपीन 1 2 3 प्रोपीन, ठीक है नंबर कर दो 1 2 3। तो भाई प्रोपीन है इसका मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 साइक्लोप्रोपाइल मतलब 3 पे साइक्लोप्रोपाइल है। ये लीजिए अब इस पे आ जाइए, ये बोल रहा है प्रोपेन, कोई बात नहीं 3 कार्बन है, 1 2 3 नंबर कर दीजिए 1 2 और ये 3। बोल रहा है 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो, क्लोरीन 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 क्लोरीन। फिर बोल रहा है और कहाँ है, 2 पे भी ट्राई क्लोरो, ठीक है और 2 पे क्या हो गया ट्राइक्लोरोमिथाइल, 2 पे आपको ट्राइक्लोरोमिथाइल Cl Cl Cl। और देखिए प्रोपेन, बोलोगे सर पहले से अलग बना रहे, भाई अलग नहीं बना है वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका बदल गया मेरा, स्ट्रक्चर बनाने का बात वही है। इस पे आ जाइए अब इस एग्जांपल पे, इसे नंबर करना है, ध्यान कर दीजिए कहाँ से नंबर करें हम, इधर से 1 पे 3 ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ 1 पे 2 ग्रुप आ रहे हैं, निश्चित हो गया इधर से 1 और 2। तो 1 पे 3 क्लोरो है, 2 पे 2 ब्रोमो है, लेकिन नाम लिखने टाइम में हम पहले ब्रोमो को ही लिखेंगे, तो क्या नाम लिखेंगे इसका, 2 2 डाइब्रोमो, फिर 1 1 1 ट्राइक्लोरो और 2 के लिए क्या हो गया इथेन, ठीक है देखिए 2 2 2 2 डाइब्रोमो 1 1 1 ट्राइक्लोरो और 2 के लिए क्या हो गया इथेन हो गया। चलिए यहाँ आइए, 1 2 तो इसका नाम क्या हो गया 1, अब इसी चूँकि ब्रोमीन है इधर क्लोरीन है 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1, लेकिन फिर हमने अल्फ़ाबेट पे गए तो हमें ब्रोमीन पहले नज़र आया, तो 1 1 1 ट्राइब्रोमो 2 2 2 ट्राइक्लोरो और 2 के लिए क्या हो गया आपका इथेन हो गया। चलिए ठीक है अब इस पर आ जाइए, देखिए यहाँ भी 1 1 1 यहाँ भी 1 1 1, लेकिन यहाँ 1 पे 2 ब्रोमो मिल रहा है, वहाँ 1 पे 2 क्लोरो मिल रहा है, यहाँ 1 क्लोरो है वहाँ 2 क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पहले आएगा क्योंकि यहाँ 2 ब्रोमो मिल रहा है और 1 क्लोरो मिल रहा है, वहाँ 2 क्लोरो है और 1 ब्रोमो है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले नंबर यहाँ से आएगा, तो 1 और 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा 1 1 2 ट्राइब्रोमो, देखो और 1 2 2 ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा इथेन। चलिए वेरी गुड इस पे आइए, अब देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब कैसे भी लो तो 5 कार्बन ही आता है, तो चलो कैसे भी लो 1 2 3 ये 4 ये 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 3 डाई इथाइल और 5 के लिए क्या हो गया पेंटेन, देखो 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। अब इस पे आ जाओ, आपको पता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ है भाई, RHS RHC से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्रायोरिटी लगभग एक जैसी होती है, ठीक है हाँ अब सेम पोजीशन पे है तो आपकी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो 1 2 3 4 ये मिल जाए तो अच्छी बात है, 5 6 लेकिन हमने यहाँ किसको देखा, हमने डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रायोरिटी दी, मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है क्योंकि डबल बॉन्ड ENE होता है ट्रिपल बॉन्ड YNE होता है, तो देखो नंबरिंग को हमने यहाँ से किया, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आपको 5 ब्रोमो 6 क्लोरो और टोटल क्या हो गया साइक्लो हेक्स और क्या हो गया 1 पे ईन और 3 पे आइन, देखो ठीक है 1 पे ईन और 3 पे आइन। इसके बारे में बात करते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में, ये स्ट्रक्चर निश्चित रूप से नंबरिंग तो यहाँ से होगी, ये एलोंगेशन, ये नहीं एलोंगेशन, ये एलोंगेशन, वैसे भी इसमें डबल बॉन्ड भी तो आ रहा है, लेकिन सवाल है कि नंबर कहाँ से करें, देखो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 4 पे आया 5 पे इथाइल है, 1 2 3 4 4 पे डबल बॉन्ड 5 पे इथाइल, दोनों साइड से तो सेम है लेकिन सिर्फ इसको देखो ये एक मिथाइल एक्स्ट्रा जो इस साइड से चलने पर आ रहा है, इस साइड से चलने पर नहीं आ रहा है,
इसलिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा 5-6 डाइथाइल 3 मिथाइल, और क्या हो गया 10 के लिए क्या हो गया डीक, और क्या हो गया 4-6 डाइन या डी का 1-4-6 डाइन। देखिए है ना क्या हो गया, देखिए इस तरह से हमने 5-6 डाइथाइल लिखा, फिर क्या लिखा 3 मिथाइल लिखा, और क्या हो गया 4 और 6, देखिए डी के बाद क्या लिखा 4 और 6 पे क्या हो गया डाई इन लिखा। ठीक है अब इस पे आ जाओ, ये जो है एक बाईसाइक्लो है, गौर से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये एक बाईसाइक्लो है ठीक है, जिसका नाम होता है नॉरबॉर्डेनॉन, इसका नाम है नॉरबॉर्डेनॉन क्वालिटी का है, ये उस कैटेगरी में आता है। तो ये नॉरबॉर्डेनॉन ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो बाईसाइक्लो है, तो ये हो गया बाईसाइक्लो, ब्रैकेट के अंदर आइए 2, 2, 1, 2, 2, 1 ब्रैकेट बंद, और टोटल 7 के लिए क्या हो गया 18। तो इस तरह से हमने इसका भी नाम लिख लिया ठीक है। तो चलिए हम इसको ज़रा दोबारा से लिखते हैं, इस एग्जांपल को और इस एग्जांपल को, इन दोनों एग्जांपल को हम दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं लिखकर कैसा बनता है ये। देखिए ये बोल रहा है साइक्लोहेक्स लीजिए, साइक्लोहेक्स नंबर भी कर दो जहाँ से मन करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3 पे आइन, 1 पे इन और 3 पे आइन लो ठीक है, और 5 पे ब्रोमो और 6 पे क्लोरो लो हो गया। अब आ जाओ ये देखो डिक दे रहा है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 नंबर कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10। अब बोल रहा 5-6 डाइथाइल 5-6 डाइथाइल 3 मिथाइल और डिक 4-6 डाइइन 4-6 डाइइन देखिए, और बाईसाइक्लो तो आपको याद ही था कैसे लिखते हैं बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो इसलिए बीच में क्या होगा दो कार्बन कॉमन होगा, एक साइड में 2 दूसरे साइड में भी 2 और बीच में 1 ये लो। हाँ बोलोगे सर क्या था क्या बना दिए, भाई वही है कुछ भी नया नहीं बनाया मैंने ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस टाइप के नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल फिगर्स दिए हुए हैं, इनके आईपीक नोमेनक्लेचर हमें लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईटीजेई एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो पहले एक बार इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। देखिए ये सभी एग्जाम्पल्स का मिक्सअप है ये एग्जाम्पल्स ठीक है, जैसे गौर से देखिए ये क्या हो गया आपका एक रिंग है 1, 2, 3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये क्या है, ये तो बाईसाइक्लो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गया आपका बाईसाइक्लो 2, 2, 0 देखो इधर भी 2 इधर भी 2 2, 2, 0 और 6 के लिए क्या हेक्सेन, ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो कुछ नहीं है तो ये नॉर्मल हेक्सेन है। इसमें आ जाइए ये आपको रिंग है 1, 2, 3, 4 तो क्या नाम हो गया 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इस पे आ जाइए 1, 2, 3, 4, 5 क्या नाम हो गया 3-methyl-pentane इस पे आ जाइए नंबर कीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4 तो क्या नाम हो गया 2-methyl-butane यहाँ आ जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानी मिथाइल 2 पे और 3 पे है तो 2-3 डाइमिथाइल और 7 के लिए क्या हेप्टेन
इसमें आ जाइए, 1 2 3 4, क्या नाम हो गया, 2 3 डाइमिथाइल, और क्या हो गया 4 के लिए ब्यूटेन, है ना, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब आगे बढ़िए, 1 2 3 4, यहाँ भी क्या नाम हो गया, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो गया इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें आ जाइए, 1 2 3, तो क्या नाम हो गया, 2 2 डाइमिथाइल, और 3 के लिए प्रोपेन। यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4, क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल, और 4 के लिए ब्यूटेन। यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो क्या नाम हो गया, 2 6 डाइमिथाइल, और 7 के लिए हेप्टेन। यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 और 5 पर डाइमिथाइल है, तो 2 5 डाइमिथाइल, और 6 के लिए क्या, हेक्सेन। ये क्या है, तो ये तो सिंपल साइक्लो ब्यूटेन है। इस पे आ जाइए, ये क्या है, तो 1 2 3 4, क्या नाम हो गया ये, तो मिथाइल सिंपल साइक्लो ब्यूटेन। ये क्या है, 1, देखिए 1 पे 2 बार मिथाइल है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं डाइमिथाइल ब्यूटेन या 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो ये हो गया 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ये भी वही हो गया, देखिए 1 2 3 4, ये भी वही हो गया 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो सिंपल क्या हो गया, नॉर्मल ऑक्टेन। इसको देखिए, 1 2 3, तो क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो यू है, 1 2 3 4, तो सिंपल क्या हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन। इस पे आ जाइए, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या क्या हो गया, 2 4 2 4 डाइमिथाइल, और 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो क्या नाम हो गया, 2 6 डाइमिथाइल, और 7 के लिए हेप्टेन। यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4 5, तो देखो 3 पे 2 बार आइसोप्रोपाइल है, गौर से देखो ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, तो क्या हो गया, 3 3 आइसोप्रोपाइल है, और 2 और 4 पे डाइमिथाइल है, तो 2 4 डाइमिथाइल, फिर 3 3 डाई आइसो प्रोपाइल, और 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन। जगह कम पड़ गए हैं, कोई बात नहीं, देखिए 1 2 3 4 5, आपका मिथाइल 2 पे है, 4 पे है, और 3 पे है, साइज बड़ा छोटा होने से मतलब नहीं है। क्या नाम हो जाएगा, 2 3 4 ट्राइमिथाइल, 2 3 4 ट्राइमिथाइल, और 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन। इस पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या नाम हो गया, 2 5 डाइमिथाइल, और 6 के लिए क्या हो गया, हेक्सेन। देखिए, चलिए नोट कीजिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप कुछ कंपाउंड्स के बारे में जानिए, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसको आप नोट कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको याद कर लीजिए। देखिए, ये है बेंजीन, बेंजीन में मिथाइल लग गया, टॉलोइन, बेंजीन में अल्कोहल लग गया, फिनॉल, एमीन लग गया तो एनिलीन, OCS3 लगा यानी मिथॉक्सी लगा तो एनिसॉल, बेंजीन में आइसोप्रोपाइल लगा तो क्यूमीन, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो बेंजोइक एसिड, बेंजीन में एल्डिहाइड लगा तो बेंजल्डिहाइड,
बेंजीन में क्लोरीन लगा तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन में नाइट्रो लगा तो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन में सल्फोनिक एसिड लगा SO3S, तो नाम हो गया इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2 लगा, इसको कहते हैं हम लोग विनाइल ग्रुप। ये जो डबल बॉन्ड है दो कार्बन के पास डबल बॉन्ड और ये खुला रहता है, आपको सिखाया गया मैंने विनाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या पड़ गया स्टायरीन। CH3 यहां है तो इसका नाम पड़ा ऑर्थोजाइलिन, चूँकि बगल वाले पोजिशन को ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, मतलब बीच में एक कार्बन का गैप हो तो ये पोजीशन क्या कहलाता है मेटा कहलाता है, 120 का एंगल, तो ये मेटाजाइलिन है। और जब 180 का एंगल हो बिल्कुल दो दो के गैप से, जिसको बोलते हैं लोग पैराजाइलिन। अच्छा ये हो गया बेंजाइल, जब बेंजीन से CH2 लगा उस पर एक बॉन्ड खुला हुआ तो कहते हैं बेंजाइल, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया आपका, इसको CH2Cl लिखा तो बेंजाइल क्लोराइड, इस तरह CH2OH लिखा तो बेंजाइल अल्कोहल, इस तरह से बेंजीन के साथ हमने CH2NH2 लिखा तो बेंजाइल एमीन। अच्छा अगर दो एक हाइड्रोजन बचा हो, दो हाइड्रोजन हट गए हो, तो इसका नाम हो जाता है बेंजल। जैसे ये देखिए, जैसे डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, दो बॉन्ड खुले हुए हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेंजल डिहाइड पड़ गया। क्या नाम पड़ गया बेंजल डिहाइड। इसी तरह से अगर यहाँ एक हाइड्रोजन हो और दो क्लोरीन हो तो इसका नाम बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। हालांकि अगर एक जो दो अल्कोहल इस तरह अगर आ जाए तो इसको हम लोग, इसका तो नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जेमिनल। ये स्पेशल केस है कि कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल आ जाए तो क्या कहते हैं जेमिनल कहते हैं। खैर छोड़िए। अच्छा कार्बन अगर तीनों हाइड्रोजन अपने लॉस कर दें तो इसका नाम हो जाता है बेंजो। देखिए बेंजोइक एसिड, ठीक है। जैसे कि बेंजीन से लगा इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट। यानी कि एक हाइड्रोजन हटा है तो बेंजाइल, दो हाइड्रोजन हटे तो बेंजल, और तीनों हाइड्रोजन हट गए तो क्या नाम हो गया इसके बेंजो, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए प्लीज़। डियर्स फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। सबसे पहले तो ये नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये इनके सिंबल हो गए, ये हो गए आपके सेकेंडरी सफिक्स और ये हो गया आपका प्रीफिक्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स और ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ठीक है। अब क्या मतलब है इन बातों का, ये जो भी दिए हुए हैं कार्बोक्सिलिक, ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप हैं, सिंबल है, सेकेंडरी सफिक्स है, प्रीफिक्स है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि नोट करने के बाद हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को भी आपको नोट करना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाई अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जरा गौर से देखिए, पहले समझ लीजिए आप इसको, इसको हम लोग यूज़ करेंगे वन बाय वन। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सिंबल है COOH। अगर इसमें नंबरिंग होगा तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो कहलाएगा ओइक एसिड, और जब नंबरिंग नहीं होगा तो वो कहलाएगा कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड है, अगर नंबरिंग हो गई, मतलब जो सल्फोनिक एसिड का सिंबल है SO3H, नंबरिंग हो गई तो उसको कहा जाएगा सल्फोनिक एसिड, और अगर नंबरिंग नहीं हुई तो उसको कहा जाएगा सल्फो। एसिड एनहाइड्राइड, ये रहा एसिड एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें नंबरिंग हो गई तो कहा जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, और अगर नंबरिंग ना हुई तो वो सिचुएशन नहीं आता यहाँ। एस्टर है, ये सी डबल बॉन्ड ओ आर, नंबरिंग हो गई तो सेकेंडरी सफिक्स ओएट आएगा, अगर नंबरिंग नहीं हुई तो इसको कहा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एसिड हैलाइड है, ठीक है, नंबरिंग हो गई सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, एक्स की जगह CLBr कुछ भी हो सकता है, नंबरिंग हो गई तो कहा जाएगा ऑयल हैलाइड, एल्केनॉयल हैलाइड, नंबरिंग नहीं हुई तो कहा जाएगा हेलोफॉर्माइल। एमाइड की बात करते हैं, नंबरिंग हो गया तो एमाइड, नंबरिंग ना हुआ तो कार्बामोइल। एमाइड सी डबल बॉन्ड ओ एनएच टू है, नंबरिंग हुआ तो एमाइड, नहीं हुआ तो कार्बामोइल। ये रहा साइनाइड CN, इसमें नंबरिंग हुई तो कहा जाएगा नाइट्राइल, नहीं हुई तो कहा जाएगा साइनो। ये है आइसोसाइनाइड, यानी आइसोसाइनाइड, ये जो आइसोसाइनाइड है इसको लिखते हैं आइसोसाइनाइड। ये NC होता है, अगर नंबरिंग हुई तो लिखा जाएगा कार्बाइलेमिन, लेकिन नंबरिंग ना हुई तो लिखा जाएगा इसको आइसोसाइनो। ये रहा एल्डिहाइड CHO, अगर नंबरिंग हुआ तो इसको लिखा जाएगा एल्केनल, जिसके लास्ट में आएगा अल, और अगर नंबरिंग ना हुई तो लिखा जाएगा क्या फॉर्माइल या अल्डो। कीटोन,
अगर जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर इसको प्राइमरी चेन माना, मतलब जो इसका ये मेन फंक्शनल ग्रुप माना गया, इस पर नंबरिंग हुई, तो ये लिखा जाएगा एल्केनोन, जिसके लास्ट में ओन आएगा। और अगर नहीं हुई तो लिखा जाएगा कीटो या ऑक्जो। ये रहा अल्कोहल OH। अगर ये इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान के नंबरिंग की गई तो लिखा जाएगा ओल। लेकिन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप माना गया, मतलब ये मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप इसको नहीं माना गया, तो इसको लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। उसी तरह से थायो अल्कोहल है SH, नंबरिंग हुई तो थायोल, और अगर इसको इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या लिखा जाएगा, मरसेप्टो या मरकेप्टो कहते हैं इसको। ये एमीन है NH2, नंबरिंग हुई तो एमीन और नहीं हुई तो एमिनो। और बच गए एल्कीन एंड एल्काइन, ये डबल बॉन्ड एंड ये ट्रिपल बॉन्ड। इस पर नंबरिंग हुआ तो इन कहा जाएगा या आइन कहा जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और अगर नंबरिंग ना होने का तो कोई बात नहीं है, अगर ना हो तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, एल्काइनाइल ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस ऑर्डर को भी आपको ध्यान रखना, खैर इसके बारे में मैं बताऊंगा, सिर्फ आप इसको नोट कर लीजिए ताकि जब मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आपको यहाँ कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग कैसे की जाती है, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले बच्चों लोग हम बात करते हैं कि कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स, इन तीन चीज़ों से मिलकर ही जो होता है ना हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड बनता है। देखिए रूट वर्ड क्या है, जैसे एक कार्बन के लिए मीथ, दो कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड। जैसे हमने लिखा ब्यूट, ये ब्यूट हो गया हमारा कौन, रूट वर्ड, जो बता रहा है कि चार कार्बन है टोटल। मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो लगा गया उसमें ईन, जो बता रहा है कि भाई इसमें डबल बॉन्ड एडेड है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स हो गया कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो ओइक एसिड, तो हम लगातार दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखते क्योंकि इन है और साथ में अगर हम ओइक एसिड लगाएंगे तो एक साथ दो वॉवेल आ जाएंगे, तो हमें इस पीछे वाले वॉवेल को हटाना होगा, तो हमारे पास आ गया ब्यूटिनोइक एसिड। जरा गौर से देखिए, ये ब्यूट हो गया रूट वर्ड, इन हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स जो बता रहा है भाई सैचुरेशन, और जो ओइक एसिड हो गया ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, और इसके आगे जो भी लगेगा वो क्या होगा, वो प्रीफिक्स होगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह नोट कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि सपोज दैट, मान लीजिए इसका नाम अभी फ़िलहाल के लिए समझिए 1, 2, 3, 4, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl-butanoic acid। तो देखिए 2 क्या हो गया, 2 तो आपका लोकेंट हो गया, मिथाइल जो हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया, ब्यूट आपका रूट वर्ड हो गया, एन बता रहा है कि भैया सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ओनली कार्बन कार्बन में, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स, और ये जो ओइक एसिड हो गया ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से मिलाकर क्या लिखा जाता है, आईपीएक नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चे लोग सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कौन सा, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं, उसमें भी कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन में बने होते हैं और नंबरिंग को अपने अंदर से पास करने देते हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो नंबरिंग को एक साइड पे ब्लॉक कर देते हैं, मतलब दूसरा साइड ब्लॉक रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, देखिए इसका ये साइड ब्लॉक है, लेकिन जैसे कीटोन हो गया इसका ये साइड ब्लॉक नहीं है, आप नंबरिंग यहाँ से वहाँ तक कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कुछ जो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिसका एक साइड ब्लॉक रहेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और जिसका ब्लॉक नहीं होगा वो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, वो नंबरिंग जहाँ से जहाँ तक चेन है वहाँ तक चलेगी आपकी। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की।
तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका जो आईपीएक नॉमिनक्लेचर होता है ये होता है एल्केनोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? एल्केनोइक एसिड। देख सकते हैं एल्क एन ओइक एसिड। तो एल्क हो गया रूट वर्ड, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ओइक एसिड क्या हो गया आपका? सेकेंडरी सफिक्स। इसका मतलब इसका जो सेकेंडरी सफिक्स आया क्या आया भाई लोग? तो ये आया ओइक एसिड। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या आया? ओइक एसिड आया सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो चलिए कुछ कॉमन नेम हम पहले देख लेते हैं। कॉमन नेम आपको ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन का नाम होता है फॉर्म, दो कार्बन का नाम होता है एसिड, तीन का नाम होता है प्रोपियोन, चार कार्बन का नाम होता है ब्यूटायर, पांच कार्बन का नाम होता है वेलर। चलिए जन दीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो अगर एक कार्बन का एसिड हुआ, कॉमन नेम की बात करें, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्म से फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन है तो एसिड से एसिटिक एसिड। तीन कार्बन है प्रोप से प्रोपियोन से प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन है तो ब्यूटायरिक एसिड। पांच कार्बन के लिए वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आईपीएक नॉमिनक्लेचर नहीं है ये, बल्कि कॉमन नेम है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये चीज़ आप भूल नहीं सकते, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए तो फिलहाल ये रहा कॉमन नेम। अब हम आईपीएक नॉमिनक्लेचर पर चलते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम आईपीएक नॉमिनक्लेचर पर चलते हैं। जैसे कि CH3 सी डबल बॉन्ड OH, तो देखिए एक और दो कार्बन है, नाम क्या हो गया इसका? इथेनोइक एसिड। ये देखो तीन के लिए क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। ये मान लो कि अब इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ हमने ग्रुप लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया? 1, 2, 3 and 4। तो क्या नाम हो गया इसका? 2, 3 डाइमिथाइल और 4 के लिए ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए 2 और 3 पे डाइमिथाइल और 4 के लिए क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये इस तरह से लो, ये क्लोरो और ये ब्रोमो। तो क्या नाम हो गया इसका? 1, 2, 3, 4। तो इसका नाम लिखा जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 4 के लिए ब्यूटेनोइक एसिड। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा ये मिथॉक्सी हो गया, फिर मिथाइल और फिर नाइट्रो। तो हम लिखेंगे 4 methoxy 3 methyl 2 nitro और 5 के लिए पेंटेनोइक एसिड। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो क्या नाम हो गया इसका? गौर से देखिए, पहले 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरो, फिर 3 इथाइल, फिर 5 5 डाइमिथाइल, फिर 2 नाइट्रो और 6 के लिए हेक्सेनोइक
एसिड यहाँ पे छूट गया, टू पे डबल बॉन्ड था तो टू पेंटिनोइक एसिड होगा, पेंटिनोइक नहीं, डबल बॉन्ड टू पे है ना, तो टू पेंटिनोइक एसिड हुआ। चलिए इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं था तो सिंपल क्या हो गया, हेक्सेनोइक एसिड, इस तरह से इसका नाम लिखा गया। ठीक है, अगर अब इसको जरा सा हम रिपीट करें, अगर रिवर्स करें इन स्ट्रक्चर्स को, तो क्या बन के आएगा मेरे पास, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड, तो एक दो तीन चार ऐसे कीजिए ताकि यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड बनाने में आपको सुविधा हो, वन टू थ्री और फोर, टू थ्री डाइमिथाइल, टू थ्री डाइमिथाइल और ब्यूटेनोइक एसिड, दोबारा आइए फिर से ब्यूटेनोइक एसिड में आइए, एक दो तीन चार, फिर से ब्यूटेनोइक एसिड बनाइए, वन टू थ्री फोर, बोल रहा है थ्री ब्रोमो टू क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, अब यहाँ आ जाओ टू पेंटिनोइक एसिड, पेंटिनोइक मतलब पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच, ये रहा पेंटिनोइक एसिड। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, अगर नंबरिंग कर दिया हमने इस तरह से, अब क्या है भाई, फोर मिथॉक्सी, तो फोर पे ओ सी एस थ्री, थ्री पे मिथाइल, टू पे नाइट्रो और टू पेंटिनोइक एसिड, तो टू पे पेंटिनोइक एसिड है। ओके, उसी तरफ यहाँ जाइए, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक छः, एक दो तीन चार पाँच छः, हेक्सेनोइक है, डबल बॉन्ड ओ एच, नंबर कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कट है फोर क्लोरो, थ्री इथाइल, फाइव फाइव डाइमिथाइल, टू नाइट्रो और हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, रिवर्स में भी जाके स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसके सिंपल एग्जांपल को समझिए, फिर इसके बाद जिसमें कॉम्प्लिकेटेड वाले जो एग्जांपल आएंगे वो भी बताएंगे। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, हम पहले सिंपल वाले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जांपल होंगे जिसमें सफिस का नाम बदल जाएगा, जैसे कि रिंग में अलग आना या तीन फंक्शनल ग्रुप एक साथ आना, ठीक है उसके बारे में बात करेंगे हम। फिलहाल दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो बात कर ही सकते हैं हम, कि मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि फंक्शनल ग्रुप एक साथ दो आ गए, ये C डबल बॉन्ड OH और यहाँ भी C डबल बॉन्ड OH, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, वन टू थ्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन के लिए प्रोपेन और वन थ्री, देखो वन थ्री पे क्या है, दो बार कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, तो वन थ्री डाई ओइक एसिड। जैसे कि हमारे पास आ गया इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हमने लगा दिया नाइट्रो, यहाँ लगा दिया क्लोरो। ठीक है, अब निश्चित रूप से चूँकि LHS दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है और LHS RHS में इधर से ज़्यादा ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया थ्री क्लोरो टू नाइट्रो और पाँच के लिए क्या हो गया पेंटेन और वन फाइव डाइओइक एसिड। तो इस तरह से क्या किया हमने, हम अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तब भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर तीन आ जाए तो थोड़ा फ़र्क होगा, तो क्या फ़र्क होगा हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, रुक जाइए। पहले सिंपल एग्जांपल्स को आप अच्छे समझ लीजिए, फिर तो जो कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट होगा उसको भी समझेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नंबर टू पे आता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के बारे में हम बात करें कि भाई सल्फोनिक एसिड कैसा होता है, तो SO3H होता है। सल्फोनिक एसिड पर नंबरिंग हो तो इसका नाम जो होगा, ये अगर मेन फंक्शन, नंबरिंग तो खैर नहीं हो सकती क्योंकि सल्फर है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा इसका नाम सल्फोनिक एसिड ही रहेगा। लेकिन सल्फोनिक एसिड पर अगर नंबरिंग ना हो, इससे मेजर फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिस पर नंबरिंग हो जाए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो उस केस में इसका नाम सल्फो हो जाएगा। जैसे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड।
इसका नाम कहाँ से होगा? देखो एक दो तीन, एक दो तीन, ये कोई कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो किधर से भी चलो इधर से चलेंगे तो ग्रुप भी मिल जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? टू क्लोरो, फिर पांच के लिए पेंटेन, थ्री सल्फोनिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका नाम हो गया SO3H, यहाँ भी आ गया SO3H, यहाँ भी आ गया SO3H, तो किधर से नंबरिंग करें? इस साइड से चलो कुछ और भी ग्रुप लगा दो, क्लोरो ब्रोमो, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये सात और ये आठ, तो क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया आपको हाँ फाइव ब्रोमो थ्री क्लोरो, और कोई ग्रुप नहीं है तो आठ के लिए ऑक्टेन, फिर टू फोर सेवन ट्राई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से सल्फोनिक एसिड का नाम आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर थर्ड पे, नोट कर लीजिए। चलिए नंबर चौथे पे आना, नंबर थर्ड पे आते हैं। नंबर थर्ड पे आ गया एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको कि एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है। गौर से देखिए, जैसे कि ये रहा हमारा, इसको हमने बोला मिथेनोइक एसिड। क्या बोला इसको? मिथेनोइक एसिड। इसको भी मिथेनोइक एसिड ही ले लो एक। ये भी क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड ही हो गया। ये ले लो इथेनोइक एसिड। क्या हो गया ये? इथेनोइक एसिड, ये भी इथेनोइक एसिड। लेकिन इसको हमने ले लिया इथेनोइक एसिड और एक ले लिया हमने मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये कौन हो गया? इथेनोइक एसिड। और ये क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर हमने क्या किया, एक मिथेनोइक मिथेनोइक लिया, एक इथेनोइक इथेनोइक लिया, एक इथेनोइक और एक मिथेनोइक लिया, अब इसके बीच से हम यहाँ क्या करते हैं? वाटर रिलीज करवा देते हैं। तो माइनस एस टू ओ करेंगे तो ये आ जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से किसी भी चीज़ से पानी निकालते हैं तो उसको हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब कि वहाँ से पानी को रिलीज करवा दिया गया। तो अगर ये मिथेनोइक एसिड मिथेनोइक एसिड था तो ये क्या हो जाएगा? इसका हम नाम रख सकते हैं मिथेनोइक एनहाइड्राइड। चलिए यहाँ आइए, इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड, अगर यहाँ से हम एस टू निकाल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये इथेनोइक और ये मिथेनोइक है। अब अगर यहाँ से वाटर निकालते हैं तो इसका नाम अब इथेनोइक या मिथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं होगा, बल्कि मिला के होगा। अब नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें इथेनोइक भी पार्ट है और मिथेनोइक पार्ट भी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो गया इसका? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ये जस्ट ऐसा है, नोट कीजिए इसको, ये जस्ट लाइक ऐसा है कि मान लीजिए ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड और ये मान लीजिए हो गया, सपोज दैट ये इथेनोइक एसिड हो गया। तो इन दोनों से अगर वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा? तो ये एग्जांपल बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एस थ्री। तो क्या नाम हो गया इसका? इथेनोइक, पहले बेंजोइक आएगा क्योंकि बेंजिक बी से आता है,
तो बेंजोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या नाम हो गया इसका, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास, अब छोड़िए, अब कोई भी एग्जांपल देखिए, अब हटाइए इसको, अब ऐसे नहीं लिखना है। इसका नाम कैसे लिखोगे भाई, ये पोर्शन आया है बेंजोइक से, ये पोर्शन आया है इथेनोइक से, बस हो गया, सिंपल लिखो, बेंजोइक इथेनोइक, और बना क्या है, तो वाटर निकाल के एनहाइड्राइड ही तो बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। कोई भी एग्जांपल हो, ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन सवाल ऐसे क्वेश्चंस का नहीं है, सवाल है थोड़े टफ क्वेश्चंस का, जैसे कि ये वाले, थोड़ा बॉन्ड लाइन ले लेते हैं हम, ये देखिए, क्लोरो ब्रोमो डबल बॉन्ड और ये नाइट्रो, तो क्या नाम हो गया इसका, सोच के देखिए, इसमें मेन फंक्शनल कौन है, मेन पेरेंट कौन है, यहाँ 1, 2, 3 और विदाउट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इधर का नाम अलग लिखेंगे, उसका नाम अलग लिखेंगे, चाहे इसके लिए इधर भी चेन देना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी दे दीजिए, ये देखिए, इधर भी अलग होगा, उधर अलग होगा, और इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए, इसका नाम क्या लिखेंगे भाई हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका नाम 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो चलिए, ये हो गया हेक्सेनोइक और ये हो गया पेंटेनोइक, तो ऑब्वियस ही बात है, हेक्सेनोइक पहले लिखा जाएगा, H4 हेक्स तो पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो और 5 नाइट्रो। अब देखिए क्या है, 6 के लिए हेक्स है और डबल बॉन्ड कहाँ है, 3 पे है, तो 3 हेक्सिनोइक। अब रुक जाइए, देखिए ना, बेंजोइक इथेनोइक, तो आप हेक्सिनोइक लिखकर रुक जाइए, चाहे सबने सब लिख लिया, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो और 5 नाइट्रो, ये देखो आपने लिख लिया, और 6 के लिए हेक्सिनोइक था कहाँ पर, 3 पे हेक्सिनोइक था। अब उधर चलिए, अब लिखेंगे वहाँ उस साइड के लिए, देखिए पेंटेनोइक है, पेंटेनोइक, तो आप वहाँ लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो और 5 के लिए सिंपल क्या, पेंटेनोइक, और लास्ट में बच क्या जाता है, एनहाइड्राइड। समझ में आई बात, कैसे लिखे, देखिए, हटाते हैं इसको, इन सबको हटाने दीजिए, एक एग्जांपल और देखिए, ये देखिए, सपोज दैट इसका IUPAC नेम हमें लिखना है।